देश के लोगों को दिग्भ्रमित करने में नेता माहिर हैं। देश की जनता को नेता मूर्ख समझते हैं, जबकि हम लोग, वो लोग मूर्ख नहीं, धूर्त है, धूर्त, हम लोग धूर्त हैं। कंट्री में याद रखिएगा एक बात, आप, मैं प्रोस्टिट्यूशन को जायज मानता हूँ। पॉलिटिशियन लगभग चरित्र से, चिंतन से, नियत से प्रोस्टिट्यूशन से भी बदतर हो गया है। कभी 2 किलोमीटर साइकिल चला करके गिरने वाला, कभी 2 जिला रथ चलाकर जीने वाला, आज सवाल बीपीएससी का है, आज सवाल 8 साल पहले भी एसएससी के एग्जाम की बहाली पर चर्चा हुई, अरुणों करोड़ों रुपया वैकेंसी पर ले लिए गए आर्मी बहाली पर। क्यों भाग रहे हैं ये लोग आर्मी बहाली, रेलवे एनबीसीसी से? बीपीएससी पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? आरके महाजन पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? सीबीआई इंक्वायरी पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? बस तेजस्वी यादव की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई जातीय जनगणना को लेकर के, और अब जो पैदल मार्च तेजस्वी यादव करने जा रहे थे वो अब नहीं करेंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा हल्की बात की थी कभी, और इस देश के लोगों को दिग्भ्रमित करने में नेता माहिर है। देश की जनता को नेता मूर्ख समझते हैं, जबकि हम लोग, वो लोग मूर्ख नहीं, धूर्त है, धूर्त, हम लोग धूर्त हैं, हम लोग अपने को धूर्त समझते हैं, हैं धूर्त, दुष्ट भी हैं, और हम लोग का कैरेक्टर ही ड्यूअल कैरेक्टर है। नेताओं की जुबान एक कभी रही ही नहीं है, नेताओं की नीयत कभी सही रही ही नहीं है। नेता सियासत और सत्ता कुर्सी के इर्द गिर्द अपनी नीयत और नीत को बनाते हैं, इसको आप समझ लीजिए। नेताओं के लिए इस कंट्री में याद रखिएगा एक बात, आप, मैं प्रोस्टिट्यूशन को जायज मानता हूं, इसको मान्यता मिलनी चाहिए देश और मानव हित में, लेकिन पॉलिटिकल विचारधारा सही हो सकती है। पॉलिटिशियन लगभग चरित्र से, चिंतन से, नियत से प्रोस्टिट्यूशन से भी बदतर हो गया है। बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, जैसे अजान और मंदिर के लॉर्ड स्पीकर के सवाल पर बीजेपी की भाषा विपक्ष के नेता बोल रहे थे। एनआरसी में अन्य चीजों में जब घटना कोई माइनॉरिटीज पर घटेगी तो विपक्ष के नेता, उत्तर प्रदेश की विपक्ष और दिल्ली की सरकार एक भाषा कि मुसलमान अछूत है, टच नहीं करना है, दलितों पर ज्यादा बोलना नहीं है, बहुसंख्यक डर सताती है, सत्ता कहाँ से मिलेगी, सत्ता कैसे मिलेगी? मैं जानना चाहता हूं, जिस भूमि अमाय की बात ये करते हैं, जाति जनगणना का सबसे ज्यादा विरोध, तो अब वो लोग कर रहे हैं जिनको समाज के दलित, कमजोर तबके, वंचित तबके के अधिकार और उसकी आर्थिक और शैक्षणिक और रोजगार की फ्रीडम पर बात है। और यदि जाति जनगणना रोका कौन? विपक्ष के नेता और नीतीश कुमार जी को। नीतीश जी बीपी सिंह के साथ भी थे, नीतीश जी अटल जी के साथ भी थे और 4 बार सरकार रही, तो किसने रोका? क्यों नहीं कर लिए? विशेष राज में क्यों रोका? लालू यादव जी, बिहार की और देश की जनता को समझ लेनी चाहिए, हमेशा अपने को किंग में करके हैं। देवेगौड़ा गुजराल दोनों प्राइम मिनिस्टर ये बनाए और खुद यहाँ पर सरकार में थे, तो जब दोनों जगह इनकी सरकार थी तो जातीय जनगणना क्यों नहीं हुई? क्यों पॉलिटिकल इवेंट्स करते हैं और जनता को भरमाते हैं?
तेजस्वी यादव तो करे बातचीत हो गई है, जल्द मेरी बात मैं समझिए ये बात सवाल जाति जनगणना का कोई आज से नहीं, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक राजनीतिक आधार पर जाति जनगणना सिर्फ एक आधार के लिए नहीं हो। जाति जनगणना जिसकी जितनी भागीदारी उतनी सत्ता तय करे, नीतीश जी हो तेजस्वी यादव, मैं चैलेंज करता हूं इन लोगों को, औकात पे आ जाएंगे, जिनको जो जितने जिनकी जनसंख्या है दलित एस टी एससी आदिवासी इस देश में जितनी 28% है, एक भी मुख्यमंत्री नहीं है। जब तक आप राजनीतिक सत्ता और आर्थिक सत्ता और शैक्षणिक सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित नहीं करोगे, करो ना जाति जनगणना, अधिकार राजनीतिक सत्ता से शुरू करो और बिहार में जिसकी जितनी जनसंख्या उसको दो, जहां पर माइनॉरिटी है जहां ऊंची जात के लोग हैं उनको भी दो। यदि ऊंची जात की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में ही कहीं हिमाचल में ज्यादा है तो उसकी वहां पर रेस्पेक्ट करो। आप भागीदारी तय क्यों नहीं करते हो? एमएलसी में एक भी दलित तो अत्यंत पिछड़ा को टिकट नहीं दिया, यह जाति जनगणना की बात कर रहा है, औकात नहीं है। पैसे के लिए ये भूमिहार समाज का इस्तेमाल किया, क्योंकि जाधव और अत्यंत पिछड़ा दलित पैसा नहीं दे सकता था, तो जो दे सकता था उन्होंने उनको ये टिकट दिए और ये कह रहा मैंने टिकट दिया। क्या ये निस्वार्थ टिकट दिए कि पैसे लेके टिकट दिए? अब आप हमको एक बात बताइए, जब किंग मेकर थे तो जाति जनगणना नहीं हुई, कांग्रेस के साथ थे तो जाति जनगणना और विशेष राज नहीं लिए, विशेष पैकेज नहीं लिए। जब कई बार यह सवाल उठ चुका है और नीतीश जी ने स्पष्ट कहा है सदन के भीतर, केंद्र करे ना करे मैं अपने पैसे से जाति जनगणना करूंगा, तो ये कभी 2 किलोमीटर साइकिल चला करके गिरने वाला, कभी 2 जिला रथ चलाकर जीने वाला, आज सवाल बीपीएससी का है, आज सवाल 8 साल पहले भी एसएससी के एग्जाम की बहाली पर चर्चा हुई, अरुणों करोड़ों रुपया वैकेंसी पर ले लिए गए आर्मी बहाली पर, क्यों भाग रहे हैं ये लोग आर्मी बहाली रेलवे एनबीसीसी से? बीपीएससी पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? आरके महाजन पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? सीबीआई इंक्वायरी पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? जब नीतीश जी और तेजस्वी जी दोनों एक हो चुके हैं, फिर ये लोगों को दिग्भ्रमित करने का, रघुवंश बाबू आए थे तो 1 घंटा धूप में नहीं रह सके, आधा घंटा 10 मिनट पैदल चलने की औकात नहीं, पिता के बदौलत अनुकंपा पर जाति ने कृपा कर दी और उसी जाति को ये लात मारता है। और ये मुद्दों पर कभी बात नहीं करता, आज बीपीएससी सबसे बड़ा मुद्दा है तो उस पर ये बात नहीं करेगा, रोजगार पे बात नहीं करेगा, राम जानकी पर और ईद के दिन दंगे हुए उस पर ये चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि मुसलमान का वोट सुनिश्चित है। ये दुकान जब इसकी बंद होने लगती है तो अपनी दुकान चलाने के लिए न्यूज में आने के लिए कोई बात हो जाती है। 7 जन्म में ये बिहार से दिल्ली पदयात्रा 7 जन्म में नहीं कर सकता, सोचा भी नहीं जा सकता है। बस जनता को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी से ने दुनिया पूछी कि आपको उत्तराखंड में कैसे पता चला कि गुजराती 20,000 आप बचा लिए, जब सब मर गया था तो गुजराती थे, हम गुजराती के रिस्क्यू किए, तो बोला गुजराती के हाथ में गुजरात का ढोकला था इसलिए पता चल गया कि हमको गुजराती है। तो इनसे जरा पूछिए कि इसके पहले भी कई यात्रा आप करने वाले थे, उसका क्या हुआ? और फिर जब ये पता ही था आपको कि नीतीश जी ने कह दिया है कि मैं करूंगा, एक बार नहीं 2 बार, और नीतीश जी ने कहा है तो मुझे लगता है कि निश्चित वो करेंगे। मैं नीतीश जी के
कुछ चीजों पर मैं ट्रस्ट करता हूं, तो फिर ये पॉलिटिकल इवेंट्स क्यों किए? कथनी करनी में इतना फर्क क्यों? ये तो दुनिया जानती है चाल चरित्रों के बारे में, पूरे खानदान के बारे में। लालू यादव जी को तो बस पुत्र मोह बचा हुआ है, धृतराष्ट्र की तरह। बेटा है दुनिया का बेटा गायब, इन्हीं का बेटा बैठा है। तो इसीलिए सब कुछ बकवास बात होती है। मुद्दा आज सिर्फ बिहार के लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े सवाल हैं, कुछ भी आज सही नहीं है, हालात अच्छे नहीं हैं। मैं सीबीआई इंक्वायरी की मांग करता हूं और ऐसे बहुरूपिये से कपड़ा गिरगिट से ज्यादा रंग बदलने वाले नेताओं से बिहार की जनता को सावधान रहने का आग्रह करता हूं।